आज हमको बात करनी है चाइना की 9 डैश लाइन पर। चाइना की जो 9 डैश लाइन है, इसको सबसे पहले 1947 के टाइम पर अनाउंस किया गया था। 40s के टाइम पर जो चाइना की 9 डैश लाइन है, 9 डैश लाइन ये यू शेप की है, साउथ चाइना सी के अंदर है, और इसको इनहेरिट किया गया था रिपब्लिक ऑफ चाइना से, गवर्नमेंट से, इन 1940s। और इसके कई सारे क्लेम्स हैं, मतलब जो जो लिटोरल कंट्रीज़ हैं, लिटोरल कंट्रीज़ मतलब जो पेनिनसुलर है, जो ओशन में पड़ती है, उन कंट्रीज़ के साथ इसके डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि फिलीपींस पड़ा, मलेशिया पड़ा, ब्रुनेई पड़ा। इनमें आप साउथ चाइना सी के अंदर आप वो भी देख सकते हैं, ताइवान को, तो उसके साथ भी है, मतलब कई कंट्रीज़ जो लिटोरल कंट्रीज़ हैं उसके साथ पे साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट है। अगर हम साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट में एरिया को बात करें, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया आप रख सकते हैं ओशन का, और उसके आगे का जो एरिया है वो सभी के लिए है, फॉर इंटरनेशनल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। बट आप देख सकते हो चाइना का जो क्लेम है UN के मुताबिक वो कितना है, 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब इतना पड़ा। लेकिन चाइना रियलिटी में कितना क्लेम करता है, तो हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं चाइना की लाइन जो है, चाइना का कलर रेड है, तो रेड से हम मेंशन करेंगे। ये देखिए चाइना की 9 डैश लाइन है, स्क्रीन घुमा लीजिएगा। चाइना ने 9 डैश लाइन बताई है, ये वाला पूरा का पूरा 9 लाइन्स ये पूरी की पूरी चाइना के अंदर है, मतलब ये पूरा पूरा मोर देन 200 नॉटिकल माइल्स, ये सारा एरिया चाइना क्लेम करता है कि ये मेरे अंडर है, क्योंकि इस एरिया का नाम ही साउथ चाइना सी है, मतलब हमारा सी है। तो नाम से पता लगता है हिस्टोरिकली इसकी वैल्यू चाइना से जुड़ी हुई है, तो ये चाइना का है। इस तरीके से रेड कलर में आप चाइना का एरिया देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वियतनाम, जो वियतनाम है उसका कलर है ग्रीन, ये देखिए डार्क ग्रीन कलर। ये पूरा का पूरा वियतनाम क्लेम करता है, ये वियतनाम कंट्री है। वियतनाम ने अपना 200 नॉटिकल माइल्स निकाला होगा कि ये वियतनाम का एरिया है, तो आप देख सकते हैं वियतनाम का एरिया। इसके आगे हम बात करेंगे अब अदर कंट्री। वियतनाम के आगे है फिलीपींस, फिलीपींस लाइट ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं फिलीपींस को, ये रहा फिलीपींस, ये पूरा फिलीपींस है। ये जो फिलीपींस है इसका 200 नॉटिकल माइल्स आप देख सकते हैं, ये वाला, ये फिलीपींस का एरिया हो गया, फिलीपींस ने अपना कवर करा है, तो ये आपको फिलीपींस का समझ आया होगा। इसके आगे अब हम बात करते हैं, अगला है मलेशिया, मलेशिया विद ऑरेंज, मलेशिया आप देख सकते हैं, ये रही मलेशिया कंट्री, मलेशिया, मलेशिया आप देख सकते हैं, ये रहा मलेशिया, ये रहा मलेशिया, तो मलेशिया का ऑरेंज कलर से है, ये पूरा का पूरा मलेशिया का क्लेम है 200 नॉटिकल माइल्स का, ठीक है, तो मलेशिया का क्लेम आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है ब्रुनेई, ब्रुनेई फ्रॉम ब्लैक कलर, तो ये छोटा सा कंट्री है ब्रुनेई, मलेशिया में ही ब्रुनेई, ब्रुनेई का 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ पे उसने मेंशन कर रखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर कंट्री का क्लेम, और इनमें चाइना का क्लेम कितना है। चाइना ने सबकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया है पानी के अंदर, कि ये सारा का सारा ही मेरा है, तुम्हारा नहीं है। चाइना ने तो सबके एरियाज़ को ही अपने में शामिल कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये थी 9 डैश लाइन, इसको चाइना ने क्लेम करा है इस बिहाफ पे कि इसका नाम ही साउथ चाइना सी है, और हिस्टोरिकली ये हमारा है, प्रूवन है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब फॉर UGC नेट एंड UPSC प्रिपरेशन। UGC नेट में आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, मैं आपको टीच करूँगी फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, अभी तो एग्ज़ाम होने वाला है। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, नीचे अपना नंबर मेंशन करके, या आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं बाय टेलीग्राम लिंक, सो हम उसको जोड़ देंगे। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।